सो वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स, लर्न विद फन। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 8th के लेसन नंबर 1.1 अ टाइम टू बिलीव। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सो अ टाइम टू बिलीव 1.1 ए टाइम टू बिलीव मतलब विश्वास करने का समय, विश्वास करने का वक्त, ठीक है। सो टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग। इसके ऊपर विश्वास करो कि जानते हो, इसके ऊपर विश्वास करना है कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हम सभी जानते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन, इसके ऊपर विश्वास करना है कि क्या होगा, एक दिन जादू होगा एंड ड्रीम्स रियली टू डू कम ट्रू, और एक दिन ऐसा जादू होगा कि जो हमारे सपने हैं वो एक दिन हकीकत में बदल जाएंगे। हर दिन एक नई शुरुआत होगी और हर जो हमारे सपने हैं वो एक दिन क्या होगा, मिरेकल्स होगा और वो एक दिन सच हो जाएंगे, ठीक है। सो टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमोंग द क्लाउड्स। सो क्या इसके ऊपर विश्वास करना कि जो देवदूत हैं, जो एंजल्स मतलब फरिश्ते, कि जो वो बादलों के ऊपर डांस करते हैं। To know the wonders of stardust sky and the wisdom of man in the moon. और ये जानना कि जो वंडर्स है, जो अजूबे हैं किसके, स्टारडस्ट स्काई मतलब जो किसी के पास मैजिकल पावर वाली, जो मिरेकल वाली स्काई है, और जो इंसान की दिमाग है, इंसान की जो बुद्धि है, कहाँ तक उसको लेके गई, मून तक। जो ये सारे वंडर्स को जानना, इसके ऊपर विश्वास करना, आखिर में इंसान आज मून तक पहुंच चुका है, तो वो किसका विश्वास, एक विश्वास था कि हम लोग ये कर सकते हैं। हम इंसानों ने ये विश्वास जताया कि हम लोग इसके अर्थ के बाहर जा सकते हैं, हम लोग मून पे पहुंच सकते हैं, तो ये विश्वास रखना है हमको, ठीक है। सो टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ ए नर्चरिंग हार्ट। क्या जानना, इसके ऊपर विश्वास करना, जो नर्चरिंग हार्ट है, जो हमारा पालन पोषण कर रहा है, जो दिल है हमारा, जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू को जानना। एंड द इनोसेंस ऑफ ए चाइल्ड्स आइज, और एक इनोसेंस आइज चाइल्ड, एक बच्चा जो है उसकी जो कोमल आंखें हैं, जो उसकी निर्दोषी आंखें हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ एन एगिंग हैंड, और जो बूढ़ा हो रहा है, जो हाथ आज है वो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, वो बूढ़े हाथ की ब्यूटी, सुंदरता। फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव, और ये उनकी वजह से ही है कि जो आज हम लोग प्यार करना दूसरों को, दूसरे से हम लोग प्रेम से बातें करते हैं, प्यार से रहते हैं, आज उन्हीं की वजह से हम लोगों ने प्यार करना सीखा है, ठीक है। हमारे माता पिता से ही प्यार करना हमने सीखा है, जो हाथ बूढ़े हो चुके हैं उन्हीं से हमने आज प्यार करना सीखा है, जब बच्चे थे हम तब से और आज तक हमने उनसे प्यार करना सीखा। सो टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस, और इसके ऊपर विश्वास करो कि हमारे अंदर जो है हम खोज सकते हैं किसको, हम स्ट्रांग हैं, हमारी मजबूती है, हम करेज, हमारे अंदर साहस है जो कि हमारे साथ ही रहता है, ठीक है। हम वो सब ढूंढ सकते हैं, इसके ऊपर विश्वास रखिए कि हम भी मजबूत हैं, हमारे अंदर साहस है कि हम कर सकते हैं जो, और ये सब के अंदर होता है, सबके साथ होता है। सो व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। सो जब समय आए, जब कोई समय ऐसी विपदा आए कि आप कोई शौक लगा हो या कुछ हो गया हो बहुत बड़ी चीजें, तो कुछ नहीं, उसके बारे में चिंता ना करते हुए हमको फिर से उसको शुरुआत करनी है, फिर से जो हमने किया है, जो खोया है, उसको फिर से पाने की कोशिश करनी है। सो टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, इसके ऊपर विश्वास करिए कि इसके ऊपर कि हम कभी अकेले नहीं हैं। दैट लाइफ इज ए गिफ्ट एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट, और ये जो जिंदगी है हमको जो मिली है, ये हमको गिफ्ट में मिली है, हमको किसी ने भेंट में मिली है, और इसको हमको पूरी तरह से इंजॉय करना है, इसको स्पॉइल नहीं करना है। सो टू बिलीव इज टू नो द वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन, इसके ऊपर विश्वास रखिए कि जिंदगी जैसे चल रही है उसको चलने देंगे, और हर एक पल में एक एक नए नए सरप्राइजेस होंगी जो हमारा इंतजार कर रही है होने के लिए। हर एक सरप्राइजेस जो है, वंडरफुल सरप्राइजेस क्या कर रही है, इंतजार कर रही है होने के लिए। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच, और ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये हम जो हमारे होप्स हैं,
उम्मीदें हैं, जो हमारी सपने हैं, वो हमको मिल जाएंगे, हमको वो प्राप्त हो जाएंगे। पॉसिबल टू अचीव, विद इन रीच का मतलब पॉसिबल टू अचीव यहाँ दिया गया। सो ये सब हमको मिल जाएंगे कैसे? इफ ओनली वी बिलीव। कैसे मिलेंगे? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमको अगर हम विश्वास रखेंगे तो ये हमारी जो होप्स है, हमारी जो ड्रीम्स है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सो इसको किसने रिटन बाय बीजे मॉरविटजर। सो इसने इसको लिखा है बीजे मॉरविटजर ने। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।